भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। सब तो पहले तो मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं सारे कम छड्ड के भी आए हो और तुसीं विश्वास भी बहुत दवाया है कि असीं शेर नूं जित के देवांगे। सो इस गल दे लई मेरे कोल तां लफ्ज़ ही नहीं हां जिन्हां नूं मैं धन्यवाद कर सकां। दूजी मैं तुहानूं थोड़ी जी गल दसण लग्गिआ कि साह सुखबीर सिंह बादल ने भी सर्वे कराया, मैं भी सर्वे करवाया, तुहाडी शीट बहुत अगे है। मेरा ख्याल है पहली बार होनी है ऐतकी गल लोग मुकाबला कर रहे राहुल गांधी तो मोदी साहब का, जिहड़ा कितने कंपैरिजन हो नहीं रहा। हर बंदा मोदी साहब की गल कर रहा है। मैं तुम्हें ईमानदारी की गल करता भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो यह गल है भी 70% लोगों ने कहा भी असी ना बीजेपी ना ना कांग्रेस ना ना अकाली दल ना असी मोदी साहब ना असी तो मोदी साहब जिहड़ा मर्जी असी तो उहदे नाल खड़े हां। साडा सर्वे चलता रहा कल असी इकट्ठे होए तो बंदियां प्रति भी पार्टी प्रति भी तो सर्वे भी साडा तकरीबन 99% एक दूजे नाल मैच करता सी। ना उन्हें मैनू पुछा सी ना मैनू उहदा पता सी कि वह सर्वे करवा रहा है ना उहदा मैनू पता सी। असी बैठे दोहां ने अपने कागज कढ़े तो बैठ के जब कंपैरिजन करिया सारा कंपैरिजन साडा बराबर आ गया। सो हालात बहुत चंगे ने। मोदी साहब नाल दा कोई प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है अज तक हिंदुस्तान नूं मिलिया नहीं। अज लोग चाहते ने आपां भी जे अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच कम कर सके आ 10 साल मिल करके कम कर सके, जे 5 साल दी होंदी शायद आपां इन्ने कम ना कर सकन। सो यही गल सारे हिंदुस्तान दे दिमाग दे विच है। मैं देखिया भी इलैक्शन तो पहला लोग GST की गल करते रहे, नोटबंदी की गल करते रहे, पर आ इलैक्शन जाके लोग सारे भुल गए। आ जिहड़ा पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया जिहड़ा उहदा जवाब दिता मोदी साहब ने, उहदे मेरा ख्याल है 15% वोट का फर्क पै गया। वह लोग जिहड़े कट्टर कांग्रसी सी वह भी छड्ड के उधरों कहने लगे भी नहीं असीं तां अज मोदी साहब दे नाल हाँ, आपां अपने देश दे नाल हाँ। जिहड़े बंदे कोई बिना पहलां राहुल गांधी लोगों ने प्रशंसा की जदों उन्हें कहा कि अटैक किया असीं देश दे नाल खड़े हाँ, जदों उन्हें उहदा विरोध करना शुरू करता बहुत लोग वह विरोध दे विच उहदे विरोध च खड़े हो गए। सो बहुत वधिया हालात ने। तो मेरी कोई बेनती है कि तुसीं भी इह गल करिए कि जे आपां इकाई लै के छोटी छोटी अपना बूथ इकाई है आपो अपनी जगह के उत्ते कम करांगे आपो अपना रिजल्ट देवांगे। साह सुखबीर सिंह बादल का तो इको ही है कि जिहड़ा रिजल्ट दूगा मैं उसकी गल सुननी है। तो मैं उन्होंने हल कल मैं हसदा सी महाजी इन्ने सख्त भी ना होवो, वह कहिंदा नहीं कोई कंपैरिजन नहीं कोई उह नहीं, जिहड़ा बंदा अपने बार तो जित नहीं सकता तो ऊ दूजे दे गल दे विच कहिंदा मैं सारे कंस्टिट्यूएंसी दे मालिक हाँ। वह कहिंदा साडे कोल बहुत लोग आउंदे ने कि जी असीं अपने MLतां जित नहीं दिंदे तुहानूं मुख्यमंत्री बना देंगे, ये भी कहना साढ़े को बहुत लोग आते हैं। कहना हूँ साढ़ा तो यही गलत हो जो गल करते हैं हूँ पार्टी कढ़ दो लोड़ ही नहीं, जो अपने MLA नहीं जिता सकता वो मैनू मुख्यमंत्री किवें बना दूगा, वो प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री किवें बना दूगा। सब तो पहली गल है अपना घर, जे आप अपने घर के तकड़े हाँ अपने वार्ड के तकड़े हाँ तो आप बाहर भी तकड़े हाँ, जे आप अपने घर च अपनी कमजोरी है फिर बाहर भी आप। देखो गल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी हिस्सा च वंडिया जाए, जे तुसी मैनू उन्हां दी जसवंत राव की गल बड़ी चंगी लगी है भी जे मेरा असर रसूख शहर दे विच है तां मैनू शहर च कम करना चाहिए, जिहदा असर रसूख पिंड दे विच है उहनू पिंडां च कम करना चाहिए, जिहदा पिंडां दे विच जिहड़े पिंड दे विच आधार है उसनू उत्थे कम करना चाहिए। इस इलैक्शन कंपेन नू 2-3 हिस्सों च वंडो, बड़ी साफ गल मैं दस दा आप बैठे इस वास्ते है खाली भाषणबाजी नहीं करनी, आप राय देनी। पहली राय नंबर 1 बनूड कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ी बनूड का एरिया सिंह जी रखड़ा जिहड़े साडे श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वजो अनाउंस किए गए हैं, उन्हां दी पहली बैठक जिहड़ी हैगी है भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सीनियर लीडरशिप और अकाली दल की सारी सीनियर लीडरशिप इकट्ठी हुई है और बैठ के विचार विमर्श किया है और सारे असी रल के जिहड़ा हैगा इलैक्शन लड़ांगे और तकड़े होकर जिहड़ी हैगी है सीट असी जिताएंगे। मतलब एक गल बड़ी पहला तो आ रही थी भी आपस में फूट पई भी है तुहाडे ते गरेवाल साहब दे विच जिहड़ी लोगों ने देखी भी सी इलैक्शन पहला दे विच उहदे बारे च की कहना चाहोगे? उस तरह मतलब लोगों के बड़ी गल्लां हैगियां भी नागपाल जी उत्थे रले हुए हैं पलाना उत्थे हैगा जी, वो किस तरह आप प्रूव करांगे हुण इकट्ठे किस तरह हैगा? दुनिया बहुत कुछ कहती हैगी दुनिया दे परवाह नहीं करी दी हुंदी,
ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਘਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਔਰ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।